राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत गुरुवार रात्रि में ही भागलपुर पहुंच चुके थे। मोहन भागवत के भागलपुर आते ही भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस के दर्जनों कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सर संघचालक का स्वागत किया गया। मोहन भागवत की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर भागलपुर समेत आसपास के जिलों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। मोहन भागवत के भागलपुर पहुंचते ही लोगों की भीड़ उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़ी, लेकिन वो शहरवासियों से मुखातिब नहीं हुए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहर में 53 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भारी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इधर संघ प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट पहुंचे। वहां उन्होंने सर्वप्रथम महर्षि में ही ब्रह्मंस जी महाराज और संत सेवी महाराज के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित किया। फिर संतमत सत्संग भवन प्रशाल में आकर आश्रम के आचार्य एवं साधु संतों के साथ संबोधन कार्यक्रम में भाग लिया। उसी दौरान महर्षि मेही पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म महर्षि मेही एक व्यक्तित्व एक विचार का लुकआउट भी जारी किया गया। इस आयोजन के बाद आज ही आरएसएस प्रमुख अपने काफिलों के साथ पटना के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम के दौरान कुप्पाघाट परिसर में आज अनुयायियों के लिए प्रवेश वर्जित था। उन्होंने कहा कि महर्षि मेही पर बनी फिल्म काफी रोचक है और इस फिल्म में महर्षि मेही के जीवन शैली को दर्शाया गया है, इसे लोगों को जरूर देखना चाहिए। इस दौरान सरसंघ चालक ने आगामी चुनाव को लेकर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। मनुष्य जीवन कैसे किया जाए इसके लिए संत प्रमाण है, ग्रंथ बहुत है, ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान भी मिलता है, परंतु ज्ञान का ठीक ठीक बोध होना और वो ज्ञान बुद्धि से हृदय में उतरना, ये तो संतों के कारण होता है, क्योंकि उनके पास केवल पोथी नहीं है, उनके पास अनुभव है, प्रतीक है, प्रतीति। तो प्रतीति वाले संत दुनिया में रहते हैं, इसलिए सारी दुनिया को टिकाए रखने वाला, उन्नत करने वाला धर्म कहता है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम आयंगर की जयंती और राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर शुक्रवार को भागलपुर के मोक्षदा बालिका इंटर स्कूल सभागार में गणित दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समारोह की शुरुआत अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मीनाक्षी चतुर्वेदी, शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नितेश कुमार, मोक्षदा स्कूल की प्राचार्य मीना और पथ प्रदर्शन गणित शिक्षक डॉक्टर पुष्प कुमार राय द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इधर रामानुजम की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय गणित दिवस को लेकर कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं के बीच क्विज प्रतियोगिता और गणित प्रदर्शनी के साथ कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की छात्रों ने हिस्सा लिया और ज्ञान को प्रदर्शित किया। इसको लेकर प्लस टू के गणित शिक्षक डॉक्टर पुष्प कुमार राय ने बताया कि गणित दिवस पर छात्राओं के द्वारा गणित और रामानुजम से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई, जबकि नाटक के माध्यम से गणित ड्रामा की प्रस्तुति विद्यालय की छात्राओं ने दी। उन्होंने बताया कि श्रीनिवास रामानुजम के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है और प्रत्येक वर्ष इनकी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को इनके बारे में जानकारी देकर गणित के प्रति रुचि बढ़ाना और छात्राओं के मन में गणित के प्रति भय को पूरी तरह से दूर करना ही इसका उद्देश्य है। इस दौरान क्विज प्रदर्शनी और अन्य प्रतियोगिता में शामिल बेहतर छात्राओं का उत्साहवर्धन भी किया गया। मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका बीएड कॉलेज के प्रशिक्षु और काफी संख्या में छात्राएं मौजूद रही। गणित दिवस है, यह अवसर श्रीनिवास रामानुजन की जयंती में प्रत्येक साल मनाया जाता है। आज हमारे विद्यालय में उनकी जयंती मनाई जा रही है और हम लोग उसको बड़े ही धूमधाम से एक समारोह का रूप दिया है। वही महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की 136वीं जयंती एवं राष्ट्रीय गणित दिवस को लेकर भागलपुर आनंदराम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने बच्चों की प्रतिभा एवं क्षमता को प्रोत्साहित करते हुए सभी को रामानुजम के जीवन और आदर्शों को आत्मसात करने की बात कही। साथ ही कहा कि कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि एवं पक्का इरादा होने पर ही सफलता संभव है। कार्यक्रम में वाटिका खंड के छोटे छोटे भैया बहनों ने गणित पर आधारित कई मनमोहक कार्यक्रम का प्रस्तुति किया। कार्यक्रम में वाटिका खंड के छोटे छोटे भैया बहनों ने गणित पर आधारित कई मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जबकि गणित पर आधारित रंगोली भी प्रस्तुत की गई। इस दौरान आचार्य वरुण कुमार मिश्र ने विद्यालय परिवार को श्रीनिवास रामानुजम जयंती की शुभकामनाएं देते हुए उनके जीवन चरित्र के बारे में जानकारी दी। मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका और काफी संख्या में छात्र एवं छात्रा मौजूद रही।
भागलपुर नगर निगम परिसर में शुक्रवार को अलग अलग वार्डों के पार्षद अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। अनशन वार्ड संख्या 16 की पार्षद अमृता राज के नेतृत्व में हुई। इधर साफ सफाई नहीं होने से परेशान हड़ताल पर बैठे पार्षदों का कहना है कि शहर में साफ सफाई की व्यवस्था मानो ठप हो गई है, कहीं भी कूड़े कचरे का अंबार लगा रहता है। निगम प्रशासन को इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें चुनकर वार्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है, जिसको लेकर जनता द्वारा अक्सर इन मामलों पर सवाल किया जाता है, लेकिन जब कभी भी वो नगर आयुक्त या महापौर के समक्ष अपनी समस्याएं लेकर आते हैं तो उनकी बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। वार्ड पार्षद अमृता राज ने कहा कि कई बार इस मामले को लेकर नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर और महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से मुलाकात भी की गई है, लेकिन उन्हें बार बार निराशा ही हाथ लगी है और पूरी स्थिति टालमटोल पर अटक जाती है। पार्षदों ने कहा कि शहर में साफ सफाई की अति आवश्यकता है, अगर साफ सफाई ही नहीं हो तो स्मार्ट सिटी कैसे बन पाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो लोग इसी तरह आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। अनशन के दौरान अलग अलग वार्ड के पार्षद मौजूद रहे। जो सफाई की व्यवस्था इतनी ध्वस्त पड़ी हुई है उनके लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग का निगम में आए हुए 1 साल हो गया है और अभी तक हम लोग ये सफाई के शुरू से लेकर के अब तक हम लोग सिर्फ सफाई के मुद्दे पर ही लड़ते आ रहे हैं। जब आप लोग भी शहर घूमते होंगे आप लोग भी देखते होंगे कि शहर किस तरह से हर जगह गंदगी फैली हुई है। यहाँ तक कि छठ में मेरे वार्ड के कुछ मुस्लिम भाई आकर के हमको घर पे आकर के बोले कि भाभी कूड़ा उठावा लीजिए, अच्छा नहीं लगता है छठ की वती सब इस तरह से कूड़ा पे पाँव रखते हुए जाती है। और जब भी हम लोग निगम में मतलब कि अपना परेशानी लेकर के आते हैं तो हम लोग की बातों का अनसुना कर दिया जाता है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। राष्ट्रीय त्योश्री योजना के तहत भागलपुर के सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित सभागार में शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क सहायता उपकरण प्रदान करने को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत सरकार का उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के द्वारा राष्ट्रीय त्योश्री योजना के तहत जिले के विभिन्न जगहों से आए 60 साल से अधिक के नागरिकों के आँख, कान और दांत की जांच की गई। साथ ही लोगों की जांच कर उन्हें जरूरी सुझाव भी दिया गया। वहीं इसको लेकर एलिम्को कानपुर के ब्रजेश शुक्ल ने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई तरह के सहायता यंत्र एवं उपकरण निःशुल्क मुहैया कराया जाता है, जिसमें छड़ी, वॉकर, व्हीलचेयर, कान की मशीन, चश्मा, व्हीलचेयर, कमोड, नी ब्रेस, स्पाइनल सपोर्ट समेत कई तरह के सहायक यंत्र एवं उपकरण शामिल हैं। शिविर में 60 वर्ष से अधिक के सभी लोगों का पंजीयन कर प्रशिक्षण कराया गया, जिसके आधार पर निर्धारित तिथि पर संबंधित उपकरण मुहैया कराया जाएगा। भागलपुर के समाहरणालय परिसर में शुक्रवार को INDA गठबंधन के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस, जदयू, राजद
और वामपंथी दलों के नेताओं ने संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के महागठबंधन दल से 146 सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि विपक्षी दल के नेताओं को संसद में बोलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के इशारों पर काफी संख्या में सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिससे सत्ता पक्ष अपनी मर्जी के मुताबिक संसद चलाकर मनमाने ढंग से कई बिल पास करा सके। साथ ही कहा कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगने पर जब विपक्षी दल के नेताओं ने अपनी आवाज उठाई तो इसका जवाब देने के बजाय उल्टे दोनों सदन से सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसका वे सभी पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं इसको लेकर भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि जब देश का संसद सेफ नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित हो सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, वो बताएं कि कैसे दो युवकों ने संसद में प्रवेश कर संसद की कार्रवाई में व्यवधान डालकर स्थिति को कैसे असहज कर दिया। साथ ही कहा कि संसद की सुरक्षा को लेकर सवाल करने पर सरकार की ओर से साजिश के तहत सांसदों का निलंबन कर दिया गया है। इधर जदयू नेत्री और राज्यसभा की पूर्व सांसद कहकशा प्रवीण, राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव समेत महागठबंधन के कई नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर मनमानी करने और देश से लोकतंत्र को समाप्त करने का आरोप लगाया। मौके पर राकेश कुमार ओझा, मुकेश मुक्त, दशरथ प्रसाद, सुधीर शर्मा, गौतम बनर्जी, डॉक्टर आनंद आजाद, विकास कुमार और हसनैन अंसारी समेत काफी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वो इंडिया महागठबंधन की ओर से किया गया है, जो विगत दिनों में संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो है जो घटना घटी, उसके विरोध में जो विपक्ष के सांसद थे उन्होंने जब आवाज़ उठाई, संविधान के तहत आवाज़ उठाई, तो ये निरंकुश सरकार जो है, जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने उल्टा जो है न्याय को जो है क्या देंगे कि उन्हीं को निलंबन का जो है काम किया, 142 को निलंबन किया और उसके बाद रात में कल न्यूज़ आया चार और का, यानी 148 का जो है निलंबन हो चुका है। भागलपुर के बाईपास थाना पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर कांड संख्या 145/120 में धारा 147, 48, 49, 323, 302, 120B एवं आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को बैजानी पंचायत अंतर्गत फुलबड़िया गांव में बने टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के समीप से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान कटिहार जिला के मनिहारी थाना क्षेत्र निवासी मार्कोनी उर्फ फौजी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मार्कोनी पहले भारतीय फौज में काम करता था, यही कारण है कि लोगों द्वारा उसे फौजी उपनाम दिया गया। 2020 चुनाव के दौरान अभियुक्त अपने ननिहाल सरसी लेसी सिंह के ससुर रामधीर सिंह से मुलाकात करने गया था, जहां बूथ पर हंगामा हुआ, फायरिंग हुई और बिट्टू सिंह के भाई बेनी सिंह की हत्या कर दी गई। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि लेसी सिंह उसकी ममेरी भाभी लगती है। बता दें कि लेसी सिंह धमदाहा पूर्णिया से पांचवी बार विधायक है, साथ ही नीतीश मंत्रिमंडल में खाद्य उपभोक्ता मंत्री रही है। लेसी सिंह ने अपने पति की हत्या के बाद राजनीति में प्रवेश किया और बिहार की राजनीति में अपना खास स्थान बनाया। इधर छापेमारी दल का नेतृत्व बाईपास थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को पूर्णिया पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। भागलपुर के बरारी स्थित बियाडा एफएम मॉल में मल्टीप्लेक्स एफएम सिनेप्लेक्स की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप सिनेमा देखने के शौकीन हैं तो अब आपके इंतजार करने की घड़ी खत्म हो चुकी है, क्योंकि यह एकमात्र शहर का मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर होने जा रहा है, जिसमें एक ही छत के नीचे चार सिनेमा स्क्रीन की सुविधाएं मिलेंगी और आप अलग अलग सिनेमा का लुफ्त उठा सकेंगे। वहीं सिनेमाघर किन किन सुविधाओं से लैस रहेगा, इसको लेकर मॉल और सिनेमाघर के डायरेक्टर डॉक्टर एम हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मल्टीप्लेक्स के भीतर अलग अलग सिनेमा स्क्रीन होंगी, जो शहर के लिए एंटरटेनमेंट का इकलौता साधन बनेगा। उन्होंने कहा कि इसके भीतर कुल 6 स्क्रीन होंगी, जिसमें लोग अपनी इच्छा के अनुसार सिनेमा का लुफ्त उठा सकेंगे, जबकि प्रत्येक सिनेमा हॉल में 1500 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता हो सकेंगी। इतना ही नहीं, कैटरिंग सुविधा भी सिनेमा घर के भीतर उपलब्ध रहेगी, ताकि खाने पीने के लिए लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। डॉक्टर एम हसन ने बताया कि डॉल्बी डिजिटल साउंड और HD स्क्रीन का यह मल्टीप्लेक्स लोगों को आनंद से भरपूर कर देगा। इसकी शुरुआत 24 दिसंबर यानी बड़े दिन की छुट्टी से पहले होगी। इस दौरान एफएम मॉल के मैनेजर, सुपरवाइजर सहित कई लोग मौजूद थे। थैंक यू सो मच सर, गिविंग द चांस फॉर द कंपनी।
कि मैं आपके साथ ज्वाइन हो रहा हूँ एज ए भागलपुर में आपका एज ए सिनेमा मैनेजर। पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा भागलपुर शहर का कि मोस्ट वेलकम, आप लोग आइए और एंजॉय करिए हमारा एफएम सिनेप्लेक्स कि हमारे क्या आपको मूवी है, कैसे आपको शो होगा, कैसे चलेगा, वो सब चीज़ें का। और रिजनेबल प्राइस में आपका टिकट्स प्राइस है, वो मल्टीप्लेक्स का एक अनुभव आपको मिलेगा कि क्या मल्टीप्लेक्स में कैसे सिनेमा होता है, क्या चीज़ है, मूवी का एक अलग ही मजा आएगा देखने में। और ये लोग आप लोग भी जानते हैं, सब लोग आजकल मीडिया में समय की मीडिया का पहले फर्स्ट रहती है कि कैसे मूवी होती है, क्या चीज़ मतलब आपको देखने को मिलेगा। भागलपुर के संडिस कंपाउंड स्थित स्टेडियम में शुक्रवार को BCL 2 टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें चंपानगर वॉरियर्स की टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंदी मिर्जान किंग्स की टीम को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। फाइनल मैच में मिर्जान किंग के कप्तान वासुकीनाथ मिश्रा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी चंपानगर वॉरियर्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 168 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। चंपानगर वॉरियर्स की टीम की ओर से कप्तान कुमार गौरव राज ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नवाद 84 रन की पारी खेली, जबकि बादल कुमार ने 49 रन और शुभम सचिन ने 19 रन की पारी खेली और इतना विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उतरी मिर्जान किंग्स की टीम 20 ओवर में महज 157 रन ही बना सकी, जिसमें चंपानगर वॉरियर्स की टीम ने 11 रन से मैच जीतकर BCL सीजन 2 पर कब्जा जमा लिया। इधर मिर्जान किंग्स की ओर से बल्लेबाजी में वासुकीनाथ मिश्रा ने 60 रन, कुणाल पीयूष राज ने नवाद 22 रन और अंकुश कुमार ने 14 रन का योगदान दिया, जबकि चंपानगर वॉरियर्स की ओर से गेंदबाजी में कुमार आयुष ने 2 विकेट, विकास विष्णु और राकेश कुमार ने एक एक विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब चंपानगर वॉरियर्स के कुमार गौरव राज को मिला। मैच में एम्पायर की भूमिका अनिल गुप्ता और मनोज कुमार ने निभाया, जबकि स्कोरिंग शिवम कुमार और अंकित ने की। वहीं फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी विजय कुमार यादव, नजर आलम, श्यामलाल सिंह, डॉक्टर नवनीत कुंज, फारूक आजम और रणजी प्लेयर रहमतुल्ला शाहरुख ने विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को विनर और रनर ट्रॉफी प्रदान कर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।